हेलो दोस्तों, एम एस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, इंजन से रिलेटेड एक अच्छा वीडियो लेकर के आया हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक है वो रहेगा काले धुएं के कारण। व्हाट इज़ द रीज़न ब्लैक स्मोक, यानी ब्लैक स्मोक के कारण क्या क्या है, यानी किसके कारण ब्लैक स्मोक इंजन के अंदर आती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नीला धुआं के कारण, यानी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीला धुआं के कारण, यानी व्हाट इज़ द ब्लू स्मोक, यानी नीला धुआं इंजन में क्यों आता है, यानी किसके कारण आता है, क्या कमी है इंजन के अंदर जिसके कारण नीला धुआं निकलता है। दोस्तों क्रैंकशाफ्ट से आवाज़, साउंड्स फ्रॉम क्रैंकशाफ्ट, यानी क्रैंकशाफ्ट से आवाज़ क्यों आती है दोस्तों, इसके हम रीज़न जानेंगे, किसके कारण फॉल्ट पकड़ेंगे कि किसके कारण क्रैंकशाफ्ट से आवाज़ आती है दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा कनेक्टिंग रॉड से आवाज़, साउंड फ्रॉम कनेक्टिंग रॉड, यानी कनेक्टिंग रॉड से आवाज़ क्यों आती है, यानी इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण कनेक्टिंग रॉड से आवाज़ आती है दोस्तों। अगला जो हमारा टॉपिक है पिस्टन पिन से आवाज़, यानी साउंड फ्रॉम पिस्टन पिन, पिस्टन पिन से आवाज़ क्यों आती है, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे पिस्टन पिन से आवाज़ आएगी। अगला टॉपिक है दोस्तों वाल्व तथा टेपेट से आवाज़, यानी साउंड फ्रॉम वाल्व एंड टेपेट, वाल्व तथा टेपेट से आवाज़ किसके कारण आती है, क्या क्या कारण हो सकते हैं इससे आवाज़ आएगी दोस्तों। बहुत सारे इंजन के अंदर फॉल्ट होते हैं जिसके अंदर हम ये पता लगाना होता है कि ये आवाज़ें आ रही हैं किसके कारण आ रही है, काला धुआं आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, नीला धुआं आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, क्रैंकशाफ्ट में आवाज़ किसके कारण आ रही है, कनेक्टिंग रॉड में आवाज़ किसके कारण आ रही है, पिस्टन से आवाज़ किसके कारण आ रही है, और वाल्व तथा टेबल की आवाज़ किसके कारण से आ रही है दोस्तों। तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इनके बारे में, आपको आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि आप हमारे अगले नए वीडियो को देख सकें और हम आपको लिए समय समय पर वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला टॉपिक है काले धुएं के कारण, ब्लैक स्मोक रीजन। तो देखिए दोस्तों, यदि फ्यूल अधिक जलता है तो एग्जॉस्ट काला धुआं निकलता है, इससे गाड़ी चलने का खर्च बढ़ता है, इससे इंजन की आयु कम होती है, इसके निम्नलिखित कारण हैं। देखिए दोस्तों, ये इंजन है, अब देखिए इसके अंदर काला धुआं कितनी मात्रा में निकल रहा है, तो हम ये रीजन जानेंगे ये काला धुआं क्यों आ रहा है, इंजन में क्या कमी है, किसके कारण ये काला धुआं आ रहा है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, पहला रीज़न है इसका अधूरा दहन, यानी कम्बसन चैम्बर में ईंधन का सही तरीके से नहीं जलना, यानी जो कम्बसन चैम्बर है उसके अंदर ईंधन जो है, हमारा ईंधन है जो इंजन का, वो सही तरीके से नहीं जल पा रहा है, इसके कारण काले धुआं निकल रहा है, निकलेगा दोस्तों, क्योंकि सही नहीं जलेगा तो काला धुआं निकलेगा दोस्तों। ईंधन का सही समय पर कम्बसन चैम्बर में इंजेक्शन नहीं हो रहा है, ईंधन का जो समय है उस टाइम पे कम्बसन चैम्बर के अंदर ईंधन का जाना चाहिए, उस टाइम पे वो नहीं जा रहा है, इंजेक्शन नहीं हो रहा है, इसके कारण काला धुआं दोस्तों आएगा। इसके बाद में इग्निशन टाइमिंग गलत होना, इग्निशन टाइमिंग गलत होने पर भी दोस्तों काला धुआं आता है। इसके बाद दोस्तों अगला है अपना निकास, यानी एग्जॉस्ट नाली की अनुचित स्थापना होना, यानी एग्जॉस्ट जो है वो सही तरीके से उसका निकास नहीं हो पा रहा है, इसके कारण भी काला धुआं आएगा दोस्तों। इसके बाद अगला है हमारा रीजन चिकनाई करने वाला तेल, जो उन क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए नहीं है जहाँ जल सकता है, लेकिन जब ये संपर्क में आता है जैसे कम्बसन चैम्बर में जाता है तो काला धुआं निकलता है दोस्तों। सिलेंडर की दीवारों पर जो तेल आता है वो जो तेल है, यदि हमारा पिस्टन रिंग खराब है, पिस्टन घिसा हुआ है, या लाइनर भी हमारा
घिसा हुआ है। इसके कारण जो सिलेंडर की दीवार पर आया हुआ तेल है वो कंबशन चैम्बर में के अंदर फायरिंग ऑर्डर के समय वो उसके संपर्क में आने से जलता है, तो इसके कारण काला धुआं भी निकलता है दोस्तों। एग्जॉस्ट गैस के रूप में काला धुआं ज़्यादा मात्रा में निकलता है दोस्तों। यह टर्बो चार्जर के अनुचित कार्य के कारण हो सकता है, यानी टर्बो चार्जर है वो सही तरीके से यदि कार्य नहीं कर रहा है तब भी दोस्तों काला धुआं निकलेगा। देखिए दोस्तों, जो टर्बो चार्जर है वो एक तरफ हवा को सक करता है, दूसरा इसका एग्जॉस्ट गैसों को बाहर निकालता है, और एग्जॉस्ट गैसें हैं वो टर्बो को घुमाती हैं। और सारे इंजनों में गियर टाइप भी होता है और किसी में एग्जॉस्ट गैसों से भी चलता है टर्बो दोस्तों। तो एक तरफ से ये हवा को सक करता है, दूसरी तरफ से एग्जॉस्ट गैसों को तेज़ी से बाहर निकालता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ख़राब एयर क्लीनर है, एयर फिल्टर हवा को सक नहीं कर रहा है, एयर फिल्टर रुंधा हुआ है, यानी ख़राब एयर क्लीनर है या एयर फिल्टर ख़राब हो सकता है दोस्तों, या रुंधा हुआ है जिससे कि वो सके नहीं कर रहा है। इसके बाद फ्यूल इंजेक्शन पंप टाइमिंग सही नहीं है, फ्यूल इंजेक्शन पंप की टाइमिंग नहीं होने पर भी सही नहीं होने पर भी काला धुआं निकलता है दोस्तों। ईंधन फ्यूल इंजेक्शन ईंधन इंजेक्शन पंप यानी फ्यूल इंजेक्शन पंप समय पर ईंधन को नहीं भेज रहा है, या टाइम समय पर वो नहीं भेज रहा है। इसके बाद पिस्टन रिंग टूटी या चिपकी हुई हो, पिस्टन रिंग टूटी या चिपकी हुई होने पर भी काला धुआं निकलता है दोस्तों। इसके बाद इंजेक्टर का ख़राब होना, यानी इंजेक्टर ख़राब है, यानी ज़्यादा मात्रा में तेल दे रहा है, वो स्प्रे के रूप में नहीं भेज रहा है, और एक साथ तो उससे भी दोस्तों जल नहीं पाता है, ज़्यादा तेल भेजेगा तो इसके कारण काला धुआं निकलता है। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है नीला धुआं के कारण, ब्लू स्मोक रीजन। देखिए दोस्तों, नीले धुएं के कारण यदि फ्यूल अधिक जलता है तो एग्जॉस्ट में नीला धुआं निकलता है। इससे कार्बन अधिक जमा होने के कारण इंजन की आयु कम होती है। इसके निम्नलिखित कारण हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी ये गाड़ी का साइलेंसर है, अभी ये देखो कितना हवा धुआं जो दे रहा है इसका, वो कैसी धुआं है, नीली धुआं। तो अभी देखेंगे दोस्तों ये नीली धुआं क्यों निकल रही है, इसका रीजन क्या है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखो, पहला रीजन है पिस्टन रिंगों के घिस जाने के कारण, पिस्टन रिंग जो तेल सिलेंडर की चिकनाई देता है वह पिस्टन रिंगों की ओर से सिलेंडर में जाएगा, जहाँ डीजल के दहन से निकलने वाली गर्मी में संपर्क में आने से जलने से यह नीला धुआं निकलेगा। यानी पिस्टन की दीवारों पर जो तेल आता है दोस्तों, वो तेल यदि कंबसन चैम्बर में फायरिंग ऑर्डर के समय जाएगा तो उसकी गर्मी से के संपर्क में आने से जलेगा, तब दोस्तों इंजन से नीले धुआं निकलेगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रीजन है ख़राब वाल्व स्टीम सील के ख़राब होने से भी ब्लू स्मोक आती है, यानी वाल्व की स्टीम जो है सील ख़राब हो जाती है, उसके कारण भी नीला धुआं आता है दोस्तों। पिस्टन रिंग टूटी या चिपकी हुई हो, दोस्तों यदि पिस्टन रिंग है वो टूट गई है या चिपक गई है तो इसके कारण पिस्टन रिंग टूट जाएगी तो दोस्तों क्या हो जाएगा, क्योंकि एक तो कंप्रेशन भी लीक होगा, दूसरा ऑयल रिंग ख़राब हो गई है तो ऑयल भी ऊपर उससे जाएगा दोस्तों, इसके कारण भी नीला धुआं निकलेगा। सिलेंडर बोर ख़राब होने पर भी ब्लू स्मोक आती है, यानी बोर ख़राब हो गया है दोस्तों तो बोर ख़राब होने के बाद उसमें जो उसका क्लियरेंस है वो बढ़ जाएगा, जिससे क्या है तेल कंबसन चैम्बर में लुबाइल जो है कंबसन चैम्बर में जाएगा, जिसके कारण भी वो नीला धुआं फेंकेगा दोस्तों। क्रैंक केस की सील ख़राब होने पर भी ब्लू स्मोक आती है, यानी क्रैंक केस की जो सील है वो ख़राब हो जाती है तब भी ब्लू स्मोक आती है। पिस्टन क्रैक होने पर भी ब्लू स्मोक आती है, यानी पिस्टन क्रैक हो गया है पिस्टन तब भी नीला धुआं आता है दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है इंजन का, अगला टॉपिक है क्रैंक शाफ्ट से आवाज़, साउंड्स फ्रॉम क्रैंक शाफ्ट, यानी क्रैंक शाफ्ट से आवाज़ क्यों आती है, यानी क्या क्या रीजन हो सकते हैं क्रैंक शाफ्ट से आवाज़ आने के। जब इंजन चलता है तो क्रैंक शाफ्ट से थम्पिंग तेज होती है, यानी इंजन जब चलता है तो उसमें थप थप की आवाज़ आती है, तो जो इंजन की वो आवाज़ बढ़ती जाती है, प्राय बियरिंग ढीली होने से आवाज़ आती है। क्रैंक शाफ्ट थम्पिंग के प्रमुख कारण निम्न है, क्या क्या कारण होते हैं दोस्तों। जैसे आवाज़ इंजन की आवाज़ बढ़ती जाएगी तो उसकी आवाज़ भी बढ़ती जाएगी, तो स्पीड बढ़ने से
आवाज़ बढ़ने लगती है। तो देखिए दोस्तों, रीजन मेन बेयरिंग में क्लियरेंस अधिक होना, यानी मेन बेयरिंग है उसके अंदर क्लियरेंस अधिक हो गया है तो दोस्तों आवाज़ आएगी। इसके बाद क्रैंकशाफ्ट में प्ले होना, यानी क्रैंकशाफ्ट में प्ले होने के कारण। अब देखिए दोस्तों, मैं एक फिगर के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि मेन बेयरिंग में क्लियरेंस कैसे बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्रैंकशाफ्ट घूम रही है, यहाँ पे इंजन वर्किंग कर रहा है दोस्तों। तो देखिए, ये एनिमेशन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। तो देखो ये दोस्तों कि यहाँ देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि ये मेन बेयरिंग है दोस्तों, ये मेन बेयरिंग है, ये मेन बेयरिंग है, और ये दोस्तों ये मेन बेयरिंग है, और दोस्तों ये मेन बेयरिंग है, और दोस्तों इधर भी एक मेन बेयरिंग है। ठीक है, तो दोस्तों देखेंगे कि ये क्या है, क्रैंकशाफ्ट में मेन बेयरिंग है। तो यदि ये क्या है, ब्लॉक के अंदर लगा रहता है, तो इसमें यदि गैप बढ़ जाता है, इसका क्लियरेंस बढ़ जाता है, तो दोस्तों इसके कारण भी इसमें आवाज़ आती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, क्रैंकशाफ्ट में प्ले होना, यानी क्रैंकशाफ्ट है उसके अंदर प्ले होने पर भी, यानी इसका थ्रस्ट बढ़ जाता है, तब भी दोस्तों इसमें आवाज़ आती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला रीजन जो है, देखिए दोस्तों, क्रैंक जनरल घिसे होना, यानी क्रैंक जनरल जहाँ पर कनेक्टिंग रॉड क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी होती है, उसे क्रैंक जनरल कहते हैं। तो देखो दोस्तों कि यहाँ पर इस जगह पे, ये इस जगह पे जो दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो ये जो है ना अपना, ये क्रैंक जनरल है दोस्तों। ये क्या है, क्रैंक जनरल। देखिए दोस्तों, यदि ये घिस जाता है, तो घिसने के कारण यहाँ से घिस गया तो इसमें फिर क्या आवाज़ आएगी दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों, असंतुलित क्रैंकशाफ्ट, यानी क्रैंकशाफ्ट असंतुलित है तब भी दोस्तों क्रैंकशाफ्ट में आवाज़ आएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, अपर्याप्त लुब्रिकेशन, यानी लुब्रिकेशन क्यों किया जाता है, दो पार्ट्सों को जब मूवेबल करते हैं, यानी ये घूमने लगते हैं, तो उनके अंदर घर्षण होता है, उस घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेशन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, पर्याप्त मात्रा में यानी उनका लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है और वो पार्ट्स तेज़ी से घूम रहे हैं, तो उसमें घर्षण होगा, इसलिए वो आवाज़ आएगी। तो इसलिए लुब्रिकेशन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद कम तेल लुबाइल का दबाव, यानी तेल का दबाव वो कम होने पर भी, यानी अपर्याप्त लुब्रिकेशन या कम तेल लुबाइल का दबाव। इसके बाद फ्लाईव्हील ढीली होना दोस्तों, काफ़ी बार क्या है, ये है, ये जो दिख रही है ये वाले, ये क्या है, फ्लाईव्हील, ये दोस्तों क्या है, फ्लाईव्हील। यदि ये फ्लाईव्हील है ढीली होगी तो उसका बैलेंस नहीं होगा, तो इसलिए इसमें के अंदर क्या होगा कि फ्लाईव्हील का काम क्या होता है, इंजन का ज़्यादातर बैलेंस को बनाए रखना, कि इसके अंदर वाइब्रेट नहीं हो, इसका बैलेंस को बनाए रखें। इसके कारण फ्लाईव्हील लगाई जाती है और ये ढीली होगी तब दोस्तों इसके अंदर आवाज़ आएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कनेक्टिंग रॉड से आवाज़। अब देखिए दोस्तों, कनेक्टिंग रॉड से आवाज़, कनेक्टिंग रॉड से निम्नलिखित कारण से आवाज़ आती है। अब देखिए, पहला रीजन है बिग एंड बेयरिंग में अधिक क्लियरेंस होने पर आवाज़ आती है, यानी बिग एंड बेयरिंग के अंदर देखो, कनेक्टिंग रॉड के दो सिरे होते हैं, स्मॉल एंड और बिग एंड दोस्तों। अब बिग एंड जो सिरा है वो किससे जुड़ा होता है, क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा होता है, क्रैंकशाफ्ट जनरल से जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। तो उसमें जो क्लियरेंस बढ़ जाता है, तो इसके अंदर क्या आएगी दोस्तों, कनेक्टिंग रॉड से आवाज़ आएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, मैं स्पीकर के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो अभी देखिए दोस्तों, ये इसका जो ये हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये क्या है दोस्तों, बिग एंड, और इधर जो इसमें अंदर पिस्टन के अंदर जो हिस्सा, ये इसको क्या बोलेंगे अपन, स्मॉल एंड, जो गजन पिन की सहायता से पिस्टन से जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, ये है, ये क्या है, हमारा पिस्टन बॉस बोलते हैं, इसके अंदर गजन पिन यानी पिस्टन पिन डाली जाती है दोस्तों। तो अगला पॉइंट है दोस्तों, अपर्याप्त लुब्रिकेशन। देखिए दोस्तों, आवाज़ आने का एक मेन रीज़न तो है ही अपर्याप्त लुब्रिकेशन, यानी पर्याप्त मात्रा में लुब्रिकेशन नहीं होगा तो श्योर है पार्ट्स घिसेंगे तो आवाज़ तो आएगी दोस्तों, क्योंकि सभी पार्ट्स हैं जो इंजन के क्या करते हैं, गतिशील रहते हैं, गतिमान रहते हैं। इसके कारण कम तेल लुबाइल का दबाव, और कम तेल लुबाइल का दबाव श्योर है कि कम होने पर भी कम होगा दोस्तों, तो आवाज़ आएगी। इसके बाद देखिए दो, क्रैंक पिन घिसी होना दोस्तों, क्रैंक पिन जो है, क्रैंक पिन,
क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके अंदर यहाँ अपना क्रैंक पिन है वो डाल, क्रैंक पिन कनेक्टिंग रॉड से यहाँ जोड़ी जाती है इसके, तो वो घिसी होने पर भी उसमें क्या है गैप बढ़ जाएगा, इसके कारण दोस्तों आवाज़ आएगी। टेढ़ी कनेक्टिंग रॉड यानी कनेक्टिंग रॉड यदि टेढ़ी है तब भी दोस्तों आवाज़ आएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों पिस्टन पिन से आवाज़, साउंड फ्रॉम पिस्टन पिन यानी पिस्टन पिन से आवाज़ क्यों आती है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ पिस्टन पिन जो है वो क्या है, कनेक्टिंग रॉड है उसका स्मॉल एंड सिरा है पिस्टन से जोड़ा जाता है, जिस पिन से जोड़ा जाता है उसे पिस्टन पिन कहते हैं। अब दोस्तों उन दोनों के अंदर यदि गैप बढ़ जाएगा, क्लियरेंस बढ़ जाएगा, तब तो भी दोस्तों इसके अंदर आवाज़ आएगी। तो देखिए पिस्टन पिन से आवाज़ आने के निम्न कारण है दोस्तों, पिस्टन पिन तो पिस्टन पिन के बीच अधिक क्लियरेंस होने पर आवाज़ आएगी दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया। अभी देखिए दोस्तों इसके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे इसके अंदर आप देखना चाहेंगे तो ये देखो ये अपना जो है यहाँ पिस्टन पिन डाली जाती है और इसका ये स्मॉल एंड सिरा है तो यहाँ डाली जाएगी। यदि इसके अंदर गैप बढ़ गया है यानी क्लियरेंस ज़्यादा हो गया है, तो क्लियरेंस ज़्यादा होने पर वो क्या है ढीला रहेगा, ढीला होने की वजह से लूज रहने की वजह से उसमें आवाज़ पिस्टन पिन से आवाज़ आएगी दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला जो है पिन तथा बूस के बीच अधिक क्लियरेंस यानी पिन और बूस जो हम यहाँ पिन डालेंगे और उसके अंदर जो बूस रहेगी उसके बीच यदि क्लियरेंस बढ़ गया तब भी दोस्तों आवाज़ आएगी। इसके बाद देखिए कनेक्टिंग रॉड स्मॉल एंड में ढीली, स्मॉल एंड है कनेक्टिंग रॉड यदि ये यहाँ डाला है हमने और वो ढीली है लूज है ज़्यादा तो भी तभी दोस्तों उसमें आवाज़ आएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों वाल तथा टेपेट से आवाज़, साउंड फ्रॉम वाल एंड टेपेट यानी टेपेट से आवाज़ क्यों आती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों पहला रीज़न देखो, एक तो सबसे पहला रीज़न इसके अंदर क्या हो गया, यदि उसका क्लियरेंस बढ़ जाता है तब भी दोस्तों उसकी आवाज़ आती है। अभी देखिए निम्न कारण है इसके, अभी अधिक टेपिट क्लियरेंस यदि टेपिट क्लियरेंस अधिक होने पर, तो देखिए दोस्तों मान लीजिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ अपना ये वाल्व है, ये इधर देखिए, इसके बाद क्या है दोस्तों कि जब हम यहाँ वाल्व है इसमें क्या है स्प्रिंग रहती है दोस्तों, इसके अंदर क्या रहती है दोस्तों स्प्रिंग रहती है। अब ये स्प्रिंग जो रहती है, अब ये स्प्रिंग का काम जो क्या होता है दोस्तों कि वाल्व को बंद करने का रहता है, लेकिन इसका खोलने का काम है वो कैम लॉक से होता है दोस्तों। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर वाल ब्रिज होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है वाल ब्रिज होता है दोस्तों। वाल ब्रिज होने की वजह से दोस्तों उसमें क्या है यहाँ पर इस जगह पे क्या दोस्तों इस जगह पर क्या डाला जाता है फीलर गेज डाला जाता है, यहाँ पे दोस्तों क्या डाला जाता है फीलर गेज डाला जाता है। इसके कारण दोस्तों यहाँ पे क्या आती है इसका जो गैप है यहाँ पे गैप बढ़ जाता है, इस गैप बढ़ने के कारण इसमें आवाज़ आती है यानी क्लियरेंस बढ़ने के कारण यहाँ पे भी आवाज़ आती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं अभी इसमें फिगर के माध्यम से भी आपको बताऊंगा और अभी देखेंगे तो दोस्तों इसके बाद देखिए अगला रीजन दोस्तों घिसी हुई सेट स्क्रू की चूड़ियाँ। तो देखिए दोस्तों जब हम टेपिट पेजिंग लेते हैं तो हम एक स्क्रू के माध्यम से उसको खोलते हैं, तो स्पिनर से खोलते हैं फिर स्क्रू को खोलते हैं, तो उसका स्क्रू की चूड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं क्योंकि चूड़ियाँ यदि ख़राब हो जाएंगी तो स्क्रू अपने पूरी तरीके से काम नहीं करेगा, वापस लूज हो जाएगा उस जगह से वो, तो इसके कारण उसका गैप बढ़ जाएगा, गैप बढ़ने से उसमें आवाज़ आएगी दोस्तों। टूटी हुई वाल स्प्रिंग यानी वाल की जो स्प्रिंग है वो टूट गई है तब भी दोस्तों उसमें अंदर वाल के अंदर आवाज़ आएगी, क्योंकि वो वाल का टेंशन बनाने का काम भी क्या करती है बंद करने का काम वाल स्प्रिंग ही करती है, लेकिन वो जब टूटी गई है तो वो काम नहीं करेगी तो उससे क्या होगा दोस्तों आवाज़ आएगी। इसके बाद देखिए वाल स्टेम तथा गाइड में बोर अधिक क्लियरेंस होना, वाल स्टेम तथा गाइड बोर में अधिक क्लियरेंस होने पर भी आवाज़ आती है दोस्तों। पुश रॉड तथा गाइड बोर में अधिक क्लियरेंस, पुश रॉड और गाइड के अंदर ही क्लियरेंस बढ़ने से भी दोस्तों आवाज़ आती है। केम का अधिक घिसाव यदि केम के अंदर घिसाव ज़्यादा हो गया है तो दोस्तों आवाज़ आएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों ये वाल ब्रिज है, ये क्या है दोस्तों वाल ब्रिज, अभी क्या था कि यहाँ वाल इसके यहाँ नीचे रहता है इस जगह पे, मैं अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था और यहाँ पे ये वाल है इस जगह पे, तो यहाँ यहाँ अपन फिलर गेज डाल के और इसका क्लियरेंस और ये क्लियरेंस ये और इसके बीच जो बढ़ जाता है इसके कारण दोस्तों क्या होता है आवाज़ आएगी, क्लियरेंस बढ़ने के कारण
दोस्तों। और ये स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग दोस्तों, ये टूटने पर भी आवाज़ आती है, वाल्व ब्रिज की स्प्रिंग टूटने पर ही, और वाल्व की जो स्प्रिंग है वो टूटने पर भी दोस्तों आवाज़ आती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो वाल्व है, इस वाल्व के अंदर ये स्प्रिंग लगाई जाती है, इसकी यहाँ गाइड लगी रहती है, इसके द्वारा ये स्प्रिंग टूट गई है, क्योंकि ये स्प्रिंग का काम क्या है, वाल्व को बंद करने का रहता है दोस्तों, और खोलने का काम है जो केम का रहता है दोस्तों। दोस्तों यदि हमारा वीडियो, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, तो दोस्तों ज़रूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा दोस्तों। फिर से दोस्तों मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा, जिससे कि यदि ये मेरे वीडियो आपने लाइक एवं शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और फिर हम आपके साथ एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। दोस्तों अभी तक मैं इंजन से रिलेटेड 3 वीडियो बना चुका हूँ, तो अब दोस्तों मेरे वीडियो को देखें, और उसमें बहुत कुछ मैं पहले वीडियो में बेसिक चीज़ बता चुका हूँ, और अभी मेरे दोस्तों ने मुझे बताया